दोस्तों, अगर आप भी जीमेल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एक नया जीमेल क्रिएट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक मोबाइल फ़ोन से जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप इस वीडियो को देख सको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तलहा और आप देख रहे हैं ऑल इन वन टेक। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जीमेल में जाना होगा। जीमेल में जाने के बाद, जीमेल एक एप्लीकेशन है, हर फ़ोन एंड्रॉयड में होता है। यहाँ पर जाने के बाद आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गूगल, एक गूगल आएगा, गूगल पे क्लिक कीजिएगा। गूगल पे क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखने के बाद आप लोगों को फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है। जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो अपना दे दीजिएगा और जो लास्ट नेम है आपका वो दे दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो भी जेंडर है आपका, वो आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा पिक ए जीमेल एड्रेस एक क्रिएट योर ऑन, यानी कि जो भी गूगल अपने तरीके से जीमेल देते हैं, अगर आपको अपना क्रिएट करना है तो क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस पर जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद जो भी अपना जीमेल रखना चाहें वो उस अपने तरीके से उस जीमेल को लिखिएगा। जैसे कि हम रख लेते हैं अपने तरीके से, तो हम इस तरीके से रख लेते हैं। तो अपने तरीके से जीमेल लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिएगा ताकि आपको याद रहे। उसके बाद याद रहने के बाद ऐसा पासवर्ड दीजिएगा ताकि आपको याद रहे और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका हो जाएगा जीमेल क्रिएट और यस पर टिपिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से आपका जीमेल क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप अपना जीमेल क्रिएट करें तो आप अपने जीमेल का जो पासवर्ड होता है वो अपने डायरी में या कहीं ऐसे सेफ जगह पर जहाँ पर आपका सेफ़ रहे। तो सेफ़ रहने के बाद क्या होता है कि जब भी आप उस ईमेल आईडी को यूज़ करना चाहें किसी भी चीज़ में, बहुत सारा ऐसा फॉर्म होता है, जैसे आप अपने खुद उसी जीमेल से आप अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहें, तो दोस्तों बहुत सख्त ज़रूरत पड़ता है उस पासवर्ड का। सेफ़ जगह पर रखें। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।